क्या 2024 से पहले मायावती थाम लेंगी बीजेपी का हाथ? आखिर अमित शाह का कौन सा गुप्तचर पहुंचा रहा मायावती को मित्रता का संदेश? आखिर क्यों मायावती बीजेपी का नहीं करती है खुलकर विरोध? हम बताएंगे सटीक कारण जिसने लगा दिया है मायावती की मित्रता पर अवरोध। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का दलित समाज में जो अस्तित्व है वो किसी अन्य का नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मायावती एक ऐसी नेता हैं जो कई वर्षों से दलित समुदाय के लिए सियासी लड़ाई लड़ती आ रही है। अब भीम आर्मी भले अपने आप को मायावती की से श्रेष्ठ मानती हो, लेकिन इतनी बात हर कोई मानता है कि मायावती दलित समाज की तब से हितेशी है जब भीम आर्मी का कोई नामो निशान नहीं था। इसलिए तो कोई भी मायावती को किसी भी हाल में नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि मायावती से नाराज होने का सीधा मतलब है दलित समाज को नाराज कर देना। और मायावती भी बीजेपी के खिलाफ यदाकदा ही जाती हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि मायावती महागठबंधन की लाख कोशिशों के बाद भी गठबंधन में शामिल नहीं हुई। तो वहीं इसके पीछे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अमित शाह और मायावती के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है, और ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि मायावती लोकसभा चुनाव करीब आते ही बीजेपी से गठजोड़ कर लेगी। लेकिन मायावती की बीजेपी को लेकर चुप्पी पर कई लोगों को नाराजगी है, तो कहीं लोग सोच रहे हैं कि आखिर मायावती चुप क्यों है। आज हम सबसे पहले इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। इस चुप्पी के पीछे जानकार कुछ कारण बताते हैं इसको लेकर। पहला कारण आय से अधिक संपत्ति का है। ऐसा इसलिए क्योंकि मायावती और उनके परिवार पर जो आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है उसने उन्हें केंद्र के शिकंजे में कस दिया है, जिस वजह से वो खुलकर भाजपा को घेर नहीं पा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मायावती समय समय पर बीजेपी की खिलाफत करती रहती है। अब आप समान नागरिक संहिता कानून को ही ले लीजिए, जिस पर मायावती ने सख्त लहजे में बीजेपी को चेतावनी दे दी। वहीं इन सबके बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की कोशिश ये है कि लोकसभा चुनाव से पहले जहां यूपी में पार्टी को मजबूती मिल जाए तो वहीं अन्य राज्यों में भी ग्राफ थोड़ा ऊपर चला जाए। बसपा सुप्रीमो लगातार अन्य राज्यों के पदाधिकारियों की बैठक कर रही है। बसपा के एक वरिष्ठ नेता की माने तो पार्टी की मुखिया मायावती लोकसभा चुनाव को लेकर बेहद संजीदा है, इसलिए तो वो लगातार संगठनात्मक बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर मायावती पार्टी सूत्रों का कहना है कि उनके पास खास सलाहकारों ने उन्हें इस बार चुनाव से पहले बाहर निकलने की सलाह दी है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक अमोद कांत का कहना है कि बसपा को लगातार मिल रही हार से पार्टी कार्यकर्ता निराश होता है, इस बात से मायावती ठीक से वाकिफ है। इसलिए उन्होंने विधानसभा की हार के बाद निकाय चुनाव काफी जोर शोर से लड़ा था, उसमें भी उन्होंने कोई खास सफलता नहीं मिली। अमोद कहते हैं कि 2019 में लोकसभा चुनाव में वो सभी पुरानी बातों को भूलकर सपा मुखिया अखिलेश यादव से गठबंधन कर चुनाव लड़ी। वहीं वर्ष 2014 के चुनाव की अपेक्षा उन्हें फायदा हुआ, शून्य पर रहने वाली बसपा 10 सीटें जीत गई। लेकिन अब फिलहाल 2024 का शंखनाद पहले से जोरदार होगा, क्योंकि मायावती अब उन सभी पार्टियों का साथ छोड़ चुकी हैं जो वर्षों पूर्व उनकी मित्र या दुश्मन हुआ करती थी। तो वहीं वो बीजेपी के साथ भी हाथ मिलाने को तैयार नहीं दिखाई दे रही। लेकिन जानकार अनुमान लगा रहे हैं कि समय करवट लेगा और मायावती 2024 से पहले बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज़।